एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान के तहत इंदौर में ठेला लेकर निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान। चौहान इंदौर वालों के प्रेम के आगे नतमस्तक नजर आए। लोधीपुरा के सकरी सी गली में जब सीएम ने ठेला बढ़ाया तो लोगों ने दोनों हाथों से खिलौने, कपड़े, कूलर और न जाने क्या क्या आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए लुटा दिए। इस दौरान 100 से ज्यादा मंच सजे थे जिनसे व्यापारियों और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने खुलकर दान किया। ये दुलार देखकर सीएम भी गदगद नजर आ रहे थे। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। खिलौने मांगे थे मामा ने, इंदौर की जनता ने दोनों हाथों से लुटाया प्यार। ठेला लेकर निकले थे शिवराज, कई ट्रक भरकर खिलौने और सामग्री हो गई इकट्ठा। लोधीपुरा की सकरी सी गली में बिछा था रेड कारपेट। सीएम शिवराज के ठेले को आगे बढ़ाने में नेताओं के भी पसीने छूट गए। लोधीपुरा की गली से सीएम शिवराज निकले तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी और खिलौने के साथ साथ आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर इंदौर की जनता खड़ी हुई थी। सैकड़ों मंच लगाकर व्यापारियों ने विधायक मालिनी गौड़ की अगुवाई में सामग्री का वितरण किया। इस दुलार को देखकर सीएम शिवराज मामा भी अचंभित थे। इस मौके पर आगे आगे बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे व्यवस्था बनाते हुए चल रहे थे तो पीछे पीछे सीएम शिवराज और नेता ठेला धकाते हुए चल रहे थे। इस दौरान एक नन्ही बालिका को अहिल्याबाई के गणवेश में देखकर सीएम शिवराज मामा ने उसे दुलार भी किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते मामा देखे गए। जबकि एकलव्य सिंह गौड़ जब अपनी बिटिया को गोद में लेकर सीएम की तरफ बढ़े तो मामा ने बेटी को दुलार किया और अपनी दादी विधायक मालिनी गौड़ की मौजूदगी में मामा को अपना गुल्लक गिफ्ट किया। कर सीएम का ठेला आज छोटा पड़ गया और इंदौर की जनता ने ये साबित कर दिया कि खिलौने दान करने में भी यह शहर नंबर वन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।